गाइस ये देख सकते हैं आप, लकड़ी की मस्जिद है, यह बहुत ही छोटी मस्जिद है। आपने ऐसी मस्जिद आज तक नहीं देखी होगी। और यहाँ पे एक ताबूत जो कि लकड़ी का बना हुआ है गाइस, देख सकते हो माशाल्लाह। पहाड़ी गांव बहुत ही खूबसूरत होता जो कि आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आज बर्फ है तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते है। ठीक है, एक और घर। ए बेटा अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे पीछे गाइस विजुअल्स चेक कीजिए, खुद यहाँ से विजुअल्स आप चेक कीजिए, कितने खूबसूरत और कितनी ब्यूटी है गाइस, माशाल्लाह। हम कितना शुक्र करेंगे अपने अल्लाह का, जितना करेंगे ना उतना ही कम है गाइस, माशाल्लाह। और यहाँ से धूप आ रही है मस्त सी। तो गाइस यहाँ पे आप घर देख सकते हो, लकड़ी के बने हुए हैं ये घर, जो कि आप ये वाला घर भी देख सकते हो, और ये भी एक घर है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे रोड तो मैग्नमाइज्ड है लेकिन अब खराब हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे आगे और एक घर है जो कि यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ है, और ये रही जी यहाँ पे मस्जिद शरीफ, ये भी लकड़ी की हुई बनी हुई है। ओ बेटा क्या करा ना, क्यों सी और गैस बर्फ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, और यहाँ पे एप्पल ट्रीज भी है। और ये रहा और लकड़ी का एक और घर। ए बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वशेरा, नाव कैसी हाँ, क्या चल रहा, बत खेवा। चले गए आगे बढ़ते हैं। और ये रही पुरानी ट्रेडिशनल लेटरीन ये वाला, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ घर गए जो कि पक्के में बने हुए हैं। चलो ये भी यहाँ पे पक्का घर है, और वहाँ पे कुछ लकड़ी का घर है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यहाँ पे है, और यहाँ के विजुअल्स माशाल्लाह। थोड़ा आगे जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो गाइस पहाड़ी गांव बहुत ही खूबसूरत है जो कि आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आज बर्फ है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, मैंने उनसे बोला था कुछ आप बोलोगे, दो तीन बंदे थे, लड़के थे, बड़े भी थे, किसी ने नहीं माना वीडियो में आने का। मैंने बोला कुछ मैं ऐसे ही सिंपल कुछ बोलूँगा, उन्होंने बोला नहीं हम वीडियो नहीं मतलब बनाते, तो उनको डर लगा है, मतलब हमसे खोचान। बाकी कुछ नहीं है, मेरे को कोई मसला नहीं है। और यार आज मेरे पीछे ये गाँव, इसको कावल कहते हैं, और इसके नीचे जो गाँव है इसको चेरार कहते हैं। तो आज आया मैं यहाँ पे और मैंने आपको एक खूबसूरत सा गाँव दिखाया, और बर्फ खुद देख सकते गाइस यहाँ पे अभी भी एक फीट नजदीक एक फीट है यहाँ पे, यानी कि 7-8 इंच 9 इंच है। ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही मैं बताऊँ गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, कितनी ब्यूटी है यहाँ पे। और अच्छी बात यह है यहाँ तक मैगडम है, यहाँ पे दो ही गाँव है, और इन सोपोर से लेके बटिंगू से फिर यहाँ तक फुल्ली मैगनमाइज रोड है गाइस, फुल्ली मैगनमाइज रोड, जो कि आप यहाँ पे खुद देख सकते हो गाइस। बैकवर्ड विलेज है यहाँ पे, लेकिन इनको अच्छे से मैग्नमाइज्ड रोड है यहाँ पे गाइस। थोड़ी सी बर्फ खाएंगे साफ साफ, यहाँ पे कुछ साफ बर्फ ढूंढते हैं, क्योंकि प्यास लगी है तो इसलिए बर्फ खाते हैं। मुझे प्यास लगी है तो प्यास बुझाने के लिए मैं बर्फ खा रहा हूँ। बर्फ तो नहीं खानी चाहिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, गला जो है ना मेरा गाइस सूख गया है, तो इसलिए ये ट्राई करते हैं। थोड़ी रात मिलती है इससे, लेकिन फिर आगे परेशान भी करेगा, क्योंकि बच्चे का सैमसंग बीमार है। बाकी मैं क्या ही बोलूं, आप तो खुद समझदार है। चलिए अब वापस जाते हैं यहाँ से नीचे की ओर। अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो रोड भी नहीं है, और दूसरा अगर हम जाएंगे वो हमें बर्फ के ऊपर से जाना है। यहाँ से हम रामपुरा राजपुरा भी जा सकते हैं, लेकिन अकेले तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जंगल के बीच में जाना है। यहाँ से मेरे पीछे देख सकते हो पूरा जंगल ही जंगल है, और यहाँ तक रोड है, तो यहाँ से तो आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जान का खतरा भी है, हापुत सुरक्षित कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ से आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ से वापस जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए अब वापस जाते हैं।
गाइस ये देख सकते हैं आप, लकड़ी की मस्जिद है, यह बहुत ही छोटी मस्जिद है, आपने ऐसी मस्जिद आज तक नहीं देखी होगी। और यहाँ पे एक ताबूत जो कि लकड़ी का बना हुआ है गाइस, देख सकते हो माशाल्लाह। तो गाइस अब निकलते हैं इस खूबसूरत गांव से वापस, और इस गांव का नाम था कावल गाइस, पता नहीं कुछ मैं थोड़ा इसका उल्टा पुल्टा बोलूँगा, कावल ऐसा ही कुछ नाम है इसका। तो बहुत ही खूबसूरत गांव है, और बर्फ़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी बर्फ अभी भी मौजूद है, जो कि आपको यहाँ पे खुद देख सकते हो। मेरे पीछे आप ये रोड के साइड में देख सकते हो जमा हुआ है, और ऊपर भी बहुत ही अच्छी खासी बर्फ है। और गाइस यहाँ से आगे जो मैंने आपको पहला गांव दिखाया ना, उसका नाम चेरार है, और इस गांव का नाम है कावल। और यहाँ पे जो छोटी मस्जिद मैंने आपको दिखाई ना, बहुत ही छोटी है, जैसे हमें हमारे घर में सबसे छोटा कमरा होता ना, उतनी बड़ी मस्जिद है यहाँ पे, और पूरी लकड़ी की बनी हुई है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। तो इंशाल्लाह इनको भी तरक्की दे और इनको भी पैसे दे, और ये मस्जिद जो यहाँ पे है कावल में, ये भी आबाद हो जाए हमारी मस्जिद की तरह, जो कि हमारे गांव में बाजार में शहर में बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें होती हैं। तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह ऐसी वैसी ही मस्जिद आएगी फिर। ओहो मज़ा मज़ा गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। और यहाँ के जो कई पाल ना मुझे बता बर्ड, और यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, यहाँ पे गाइस ये पत्थर के ऊपर आग जला हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि ऊपर मैंने एक से बोला, उसने बोला इन सब चीज फटान, यानी कि कहीं पाल से फटान, खुद देख सकते हो, क्योंकि हम फाट वावन अत पत्न कहीं कारण हम ये यूज घर काम बनाए मकान कोई कुछ और, इसलिए। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, गाइस यहाँ से नीचे का व्यू यानी कि हमारे एरिया का व्यू, जंगेर का व्यू बहुत ही मस्त मस्त आ रहा है। तो आप भी इंजॉय कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, चले जी आप भी देख सकते हो माशाल्लाह। ये देख सकते हो आप गाइस, यहाँ से रोड सीधे जाते हैं अब बटिंगू, और वहां से देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो वो राजीव वालोर लेक वहां से, और यहाँ से हमारे कुछ गांव खूबसूरत खूबसूरत गांव माशाल्लाह। आपको अच्छे से नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे आ रहा है कैमरा में, आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा। और यहाँ से व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ से अभी मैं वापस आया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर, चले अब माशाल्लाह। गाइस यहाँ पर भी पाइपलाइन नई बिछाई गई है, जो कि इसमें अभी पानी नहीं आ रहा है। तो नीचे के गांव हैं तो उनमें भी वहां पर भी ऐसे ही पाइपलाइन है, और यहाँ पर भी, तो इनके लिए अच्छे हैं क्योंकि इनको भी पानी, साफ पानी आना चाहिए, तो ताकि इनको भी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। चलो गवर्नमेंट का इसके लिए शुक्रिया। तो चलिए गाइस अब हम इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। बहुत ही इस ब्लॉग में मैंने आपको ये खूबसूरत सा गाँव दिखाया, जो कि बर्फ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो मैंने भी इंजॉय किया, मुझे उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा। और अब निकलते हैं यहाँ से घर, चले अब यहाँ से सीधे घर निकलते हैं, लेट्स गो, बाय बाय गाइस।